सो हेलो ऑल गाइस, मैं राजू और आप सभी लोग को हमारे ब्लॉग वीडियोस पे सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग अभी फाइनली डिमांड लेने के लिए आ चुके हैं। अभी आप लोग देख सकते हो ये वाला डिमांड हम लोग सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा डिमांड है आप लोग को मैं अभी दिखाता हूँ बैक कैमरे पे आके। सो चलिए आज का ब्लॉग भी स्टार्ट करते और मस्ती कराते। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो ये डिमांड पहले हम लोग सिलेक्ट किए थे बट ये अभी ले नहीं रहे, हम लोग ले रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं कौन सा वाला हम लोग ये वाला डिमांड ले रहे हैं गाइस। अभी ये हमारे घर पे चल जाएगा, इसको खोला जा रहा है, खोल के लोड कर दिया जाएगा। ये वाला गद्दा ये नहीं, दोनों एक ये इसके नीचे वाला ले रहे हैं ये हाँ। अच्छा अभी बोल रहे क्या? अच्छा ये सब तो मैं अच्छा क्या वो लगा जो हाँ। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख लेते हैं, अभी डाइनिंग तो ले नहीं रहे, लेंगे बट बहुत जल्द। कितना प्यारा दिख रहा है ये डाइनिंग। हम लोग दो तीन जगह देखे, हम लोग एक जगह उस टाइप्स का भी देखे थे, ये है ना पसंद आया था हम लोग को बट हम लोग यहाँ आके लिए ये वाला, बट प्लान में ज़्यादा अच्छा लगा इसीलिए ले लिया। ये बहुत ज़्यादा डिजाइन हो गया तो हम लोग वही फाइनल डन किए। और यहाँ बहुत तरह का सामान है, हम लोग अलमारी तो ले लिए, अब हम लोग को सोफ़ा और एक डाइनिंग लेना है यहाँ से, बस हम लोग का फर्नीचर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी कितना अच्छा लग रहा है, सोफ़ा लकड़ी का सोफ़ा है, कितना औसम दिख रहा है। तो चलिए गई अभी के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मॉर्निंग का 11 AM हो रहा है और अभी हम लोग का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ अभी आप लोग देख सकते हो रोशनी अभी क्या कर रही है, आप लोग को दिखाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पे रोशनी बाबू के लिए, हम लोग के लिए, सबके लिए सब्जी काटी है अभी। तो yes, अभी हम लोग का घर में रोज फूल गोभी बन रहा है, फूल गोभी रोज रोज रोज, एक दिन भी बात नहीं है। सब्जी है इतना है इधर, बैगन है, पालक है, यहाँ पे बंदा गोभी है, बस बन रहा है फूल गोभी रोज। फूल गोभी, फूल गोभी अच्छा लग रहा है, वो भी बिना मसाला का, बिना मसाला सीजा हुआ, सीजा हुआ yes। और सेहत के लिए भी अच्छा है और काफी अच्छा भी लगता खाने में। और अभी आप लोगों का इस न्यू होम तो हम लोग ले जाएंगे, डिमांड हम लोग लिए हैं, आप लोग को दिखाएंगे और कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिख रहा है हम लोग का घर, वो अभी दिखाएंगे अभी। और धीरे धीरे करके हम लोग का सब चीज हो जाएगा। ऋत्विक कम लड़के, ये बहुत ये चप्पल पकड़ रहा है ऋत्विक। और गाइस आप लोग रॉन्ग कमेंट्स अब नहीं कर पाओगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब छोड़ रहे हैं, यहाँ नहीं बोल पाओगे, इतना गंदा है, वहाँ अच्छा से रहेंगे, वहाँ सामान वगैरह नहीं रहेगा दुकान का भी। बेटा बेटी है, बेटी तुम बेटी है, मेरा बेटी है, शर्मा गया रे, शर्मा गया, कहाँ चलेगा, कहाँ चलेगा, मत एक मत बोके दे, कुट रुक, ए बोके दे दो, आप बोके दे दो, आप ना ना बोक चे, ए ते बोके दे, ते बोके दे, ते बोके दे, ते बोके दे। ठंडा में बेचारा रहती है, कहीं नहीं जा पा रहा मेरा बच्चा। ओ पापा, बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, बाबा, देख सकते हो इतनी पापा पापा बोल रहा है, बाइक कर, अबा 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 अबा, बेटा, बल, बाबा बाबा, बाबा बाबा, मम्मी नहीं बोलेगा, मम्मी नहीं बोलेगा, ओ, तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कितना मस्ती लग रहा है। मैं एक ही बार में नाश्ता करूंगा अभी, मैं खाऊंगा अभी मुरमुरा और मिक्सचर साथ में, बड़ा वाला अमरूद है, खाने में भी इस बार अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी रोशनी को आ जाने दीजिए, नहीं तो अभी अंदर ले जाएंगे। अभी हम जूता भी पहन के, इस घर में भगवान भी रहता है इसी वजह से। तो अब हम लोग न्यू होम ले जाएंगे गाइस आप लोगों को। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग अपने न्यू होम पे आ चुके हैं। अभी आप लोग देख सकते हो ये फ्लावर पॉट कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और जो मेन चीज़ है वो अभी आप लोग को रूम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ अभी आप लोग देख सकते हो ऋत्विक और रोशनी क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, दीवान देख रहे हैं। तो गाइस अभी लाइट लाइन नहीं है, उसी वजह से अंधेरा दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो ये दीवान हम लोग खरीद के लाए हैं, कैसा दिख रहा है आप लोग बताइए। ये गद्दा भी खरीदे, गद्दा अलग से खरीदना पड़ा,
और ये आप लोग डिजाइन यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादा डिजाइन नहीं लिए, सिंपल में लिए। और यहाँ पे सामान वगैरह सब कुछ रख सकते हैं, तीन तो कवर्ड है, इस सब के अंदर जितना मन तितना सामान डाल सकते हैं। सामान अब रखने के लिए दिक्कत नहीं होगा, कुछ सामान दिखेगा भी नहीं क्योंकि ये सब में भी सामान डाल सकते हो। यहाँ अलमारी तो कितना अच्छा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ बेड भी आ गया, ये घर लगभग कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर भी वो कांच लगने वाला है, खाने पीने का चीज इसमें रखेंगे। और उसके बाद गाइस आप लोग को बता रहे हैं, और यहाँ पे वो जो बेड के साइड पर होता है ना टेबल रखेंगे, वो बड़ा कुछ रखने के लिए सामान वगैरह। यहाँ पे वो फूलदानी ला के रख देंगे बड़ा जैसा, बहुत ज्यादा जगह बच गया गाइस इधर, हम नहीं सोचते इतना जगह बच गया। क्या हुआ बेटा, क्या किया तुम, क्या किया बेटा, कौन बांध दिया है? बेटा ऋत्विक अपना पलंग पे सोएगा, बड़ा पलंग में ऋत्विक का जगह नहीं होता था गाइस, हम लोग सोते थे ना तो इसका दबा जाता था ये, इसी वजह से हम लोग फटाफट से डिमांड ले लिए। और डिमांड लेने के लिए हम लोग बहुत दिन से पैसा रखे थे, तब जाके डिमांड ले पाए हैं। स्कूटी हम लोग फुल पेमेंट में नहीं लिए, किस्त में लिए हैं, ये फुल पेमेंट में आया। दाम अगर किसी को जानना है इसका तो नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। क्या हुआ यार, जाएगा मेरे पास आएगा बाबा रे। और आरएस को भी ठंडा लग रहा था, मोटा वाला जैकेट पहन लिया है और क्वालिटी बहुत खराब आ रहा है यहाँ पे गाइस, है ना धुंधला। यस, कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, इधर दिख रहा है बेटू किरा है। So, अभी गाइस आप लोग को तो ये पलंग दिखाए, अभी और एक चीज दिखाने वाले हैं, तो एक जरा एक सेकंड वेट कीजिए। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग अपने न्यू होम पे हैं, और हमारे न्यू होम पे आ चुका है हमारा डिमांड पलंग। तो ये हम लोग बाय कर लिए फाइनली, अब हम लोग यहाँ पे आराम से सोएंगे हम ऋत्विक और रोशनी। तो ये हमारा बहुत शौक था गाइस, ये सबका शौक होता है एक अच्छा सा पलंग हो घर में, तो हम लोग भी फाइनली ले ही लिए। तो इसका प्राइस कितना पड़ा आप लोग को इस वीडियो पे तो नहीं बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी घर में बहुत सामान आ रहा है, और फिर आने वाला है कुछ दिन के बाद डाइनिंग टेबल, डाइनिंग लेंगे, उसके बाद फिर सोफा लेना है, फिर अभी पापा जी भी काम कराएंगे अभी यहाँ पे। तो कैमरा को थोड़ा हम लोग करीब ले आते हैं, फिर आप लोग के बीच में बात करते हैं। तो कैमरा को मैं उठा के आप लोग थोड़ा सामने से बात करेंगे। सो अभी आप लोग देख सकते हो, देख सकते हो हमारा प्ले बटन भी हमारा वीडियो पे आ रहा है गाइस, अभी कितना अच्छा लग रहा है हम लोग को ब्लॉगिंग शूट करने में, अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोग कमेंट्स नहीं कर सकते हो क्या, गंदा किचन पुराना ये सब नहीं है, आप सही करा दिए। और बहुत मेहनत लगा, बहुत दिन इंतजार किए, तब जाके अभी हमारा घर फाइनली कंप्लीट हो गया। अब घर उड़ाई होगा, किचन का काम कंप्लीट होगा उसके बाद, और पोस्ट महीना में घर उड़ाई नहीं कराएंगे, पोस्ट महीना के बाद। हाँ। तो और हम लोग का भी पलंग लेने का ही नहीं था, बट मतलब है पलंग न्यू ही है, हम लोग जिसमें सोते हैं, बट वो पलंग था हम लोग को डिमांड लेने का एक शौक था इसीलिए, और डिमांड लेने का ऋत्विक का आस्था भी नहीं था वो पलंग में। पलाई कर लेंगे, तो मम्मी बोल रही वो रूम में भगवान रखेंगे, तो पलंग नहीं रहेगा, मम्मी सोएगा कहाँ, वही तो हम लोग का रूम पलंग मम्मी का रूम में आएगा अभी, और 2-3 महीना के बाद फिर हम लोग और एक डिमांड लेने वाले लेंगे मम्मी के लिए भी एक पलाई वाला। हाँ। अच्छा, तो इस तो ये वाला मेरे को लकड़ी वाला लेने का मन नहीं था, बट लकड़ी वाला ज्यादा टिकाऊ होता, मजबूत होता, इसीलिए लिए, और पलाई वाला देखने में काफी ज्यादा सुंदर होता है। तो गाइस हमारा सपना धीरे धीरे सब कुछ पूरा हो रहा है, आप लोग देख सकते हो ऋत्विक भी अब बड़ा हो रहा है, अभी ये खड़ा होने भी अब सीख गया है लगभग। बेटा खड़ा हो जा, मेरा जूता तो क्यों चाट रहा है तुम,
और एक सपना बाकी है, सपना बीच में जाएगा, बीच में, वो तो कभी भी चल, बीच में इसको हवा में उड़ने का शौक था वो भी पूरा हो गया, दो बार, दो बार आप लोगों का वजह से, सब मेरा भी तो सपना पूरा हुआ हवा में उड़ने का, ऋत्विक भी उड़ लिया, अभी तक दो बार प्लेन में घूम लिया, दिल्ली घूम लिया, सोलन घूम लिया, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र घूम का आ गए। इसको पापा से कह रहा, मम्मा से कोई मतलब नहीं है। पापा पापा इतना ठंड लग रहा है कि मतलब नहाने धोने का मन नहीं कर रहा है, हमको बिल्कुल भी आलस तो दो चार दिन बाद आता है। मैं रोज नहीं नहाता हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा, ठंडा में कोई भी रोज नहीं नहाता है, हम ही नहाते हैं, हम बोलूँ या घर में पापा आलस नहीं नहाता, ये भी रोज नहाता है बेटा, इसको नहला दिया जाता है, रोशनी इसको नहला देती है। और गैस अभी आप लोग को एक बार रूम पूरा एकदम घर दिखाते हैं अच्छा से कैसा लग रहा है, प्ले बटन का वेट कर रहे हैं, हम लोग का अब इसका बीच में एक आना चाहिए, हाँ। प्ले बटन वो गोल्ड वाला एकदम येलो दिखेगा, सोना का रंग का कितना अच्छा दिखेगा, ये जगह पे ये वाला ये जगह आ जाएगा इसको गोल्ड, इधर हम लोग सेटअप कर लेंगे यूट्यूब पर थोड़ा सा जगह पे, अभी अलमारी तो भी कंप्लीट हो चुका है, बस मिस्त्री अब आएगा, आज मैं बोला फोन किया था तो बोला कल को आएंगे, तबीयत खराब है, हाँ। तो तीन चार दिन हो गया, पांच दिन, एक जनवरी से पहले ही नहीं आ रहा। और गाइस आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब रोशनी राजू साधु और एक चैनल है उसको, उसमें हम लोग मिनी ब्लॉग डालेंगे आपसे, उसमें गाइस अभी आप लोग देख सकते हो ये कितना ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है, प्ले बटन सब और ये सब थोड़ा गंदा हो गया, ये सब साफ करना होगा, और ये अभी पुराना हो जाने की वजह से इसका स्क्रैच आ गया पूरा, इसमें अलग टाइप का हो गया, आप लोग देख सकते हो, इसमें मिटने भी लगा है, जीरो मिट गया है एक, इसको पेंट कैसे होता नहीं पता, बट अब हम लोग को गोल्ड प्ले बटन चाहिए, और ये सीन आप लोग देख सकते हो घोड़ा वाला कैसा दिख रहा है, और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगाएंगे ऊपर पे, और हम लोग का डिमांड अब आ गया रूम पे, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीलिंग्स आ रहा है, यह प्लाई का अलमारी भी बन गया हमारा, अब और प्लाई भी बचा हुआ और आएगा फिर किचन के लिए, किचन भी कंप्लीट करना है, और यहाँ पे एक्वेरियम पे एक दो मछली है बचा हुआ, बहुत मछली मर गया गई, और पानी भी गंदा है, साफ कर देंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सब को अभी लगाए नहीं है, ये सब के ये सब को मिट्टी ला के ये सब को लगाना होगा, अभी ऐसे ही मैं डाल दिया हूँ शो के लिए, तो ये सब घर के अंदर का लिए है, ये सब नहीं मरेगा, तो यहाँ पे रिंग लाइट भी जला दिए, अब लग रहा है हमारा रूम है, यूट्यूबर का घर है, अब लग रहा है यूट्यूबर का घर है, अब किसी को बुला सकते हैं, अब कोई आएगा तो दिक्कत नहीं होगा, दुकान और घर अलग हो चुका है, हाँ। अब बेटू की हमारी बहुत सुन गई थी, देख सकते कैसे डांट रहा है, क्या कर रहा है बेटा, बेटा बोलो हेलो ऑल गाइस, मैं ऋत्विक, तुम कब बोलेगा बेटा, तुम कब ब्लॉगिंग स्टार्ट करेगा, तुम्हारा ब्लॉगिंग देखने के लिए पूरा यूट्यूब फैमिली वेट कर रहा है, बेटा तू बैसे हो गई छे, हां भूख छे, तू बैसे हो छे, हां से मत जा तू, ए ए चुप चुप चप चप, नहीं रो रहा, समझ गया गाइस वीडियो में हम उसको, बोके दे दो, बोके दे दो, बोके दे दो, बोके दे, आवेश जब डांटेगा तो मुंडी ऐसा झुका लेगा और रोएगा, होठ उल्टा है, होठ उल्टाता है, देख सकते इसका खून पति तो गाइस अभी देख सकते हो यहाँ पे सब बॉल का स्विच ऑन है, बट ये बॉल दो ही जल रहा है ऊपर, ये दो नहीं चल रहा, बॉल पूरा खराब होते रहता है, हर सप्ताह सप्ताह में लाना पड़ेगा, मिस्त्री जो है ना गलत वायरिंग मिस्त्री गलत हो गया, जो मिस्त्री आया था ये बोर्ड सब लगा देगा, आएगा सब ना, मिस्त्री आया ही नहीं, यहाँ पे बोर्ड तो लगाना है गाइस, देख सकते हो इसके वजह से जरा खराब दिख रहा है, नेक्स्ट मंथ पक्का डाइनिंग, और ये रूम भी अब खाली हो जाएगा, अभी पूरा देख सकते हो कितना सामान भरा हुआ है, पापा जी भर के रखे हैं ये सब सामान, तो इसमें खाली आप लोग देख सकते हो पीतल का लोटा है, इसमें है आप लोग देख सकते हो, मैं पीतल वाला ये तांबा है, ये आप लोग को बता देता हूँ, तांबा पीतल नहीं है, पीतल ये वाला है, ये सब पीतल है, और ये स्टील है, स्टील का बाल्टी है आप लोग देख सकते हो,
और यहाँ पे बर्तन रखने के लिए आप लोग खाना खाते हैं उसके बाद धो के इसमें रखने के लिए सही है। और यहाँ स्टील का हंडी है चावल बनाने के लिए, हम लोग तो इसी से बनाते हैं इंडक्शन में। और यहाँ पे देख सकते हो गमला है, हर तरह का यहाँ पे बर्तन आप लोग को देखने को मिल रहा है। किसी भी फैन को चाहिए तो आप लोग आके ले सकते हो प्राइस दे के। हाँ दीदी का विश किए हैं हम लोग सुबह। अगर आप वीडियो देख रहे हो और पक्का हमको पता है आप वीडियो देख रहे हो। दीदी अभी यहाँ रहती तो हम लोग पार्टी सेलिब्रेट करते क्या? आगे साल किए थे, इस साल वहाँ पे इस साल नहीं आ पाएगी वो। हाँ, तो बात हो गया दीदी से, विश किए हम लोग स्टोरी भी लगाए थे, हम फेसबुक स्टोरी लगाए पोस्ट कर रहे हैं। क्यों मेरे पास क्यों आएगा तुम्हें? थैंक यू डार्लिंग, देख सकते हो दीदी इसको क्या लिखी है, दिख रहा है थैंक यू डार्लिंग, दिख रहा है देख सकते हो। आईडी दिखा दीजिए, आईडी आप लोग जाके फॉलो कीजिए, तनु साधु है देख सकते हो। और कुछ है? एक मिनट, ये आपके पास जाने के लिए कैसे? तनु साधु TNUSADHU तनु साधु 7 प्रोफाइल भी देख सकते हो, दिखा दो। चलो बेटा लॉक करके रखिए, प्रोफाइल लॉक है। ऐ देखो आए आ इसको लेके गाइस ब्लॉगिंग करते हैं। आज दीदी का फेसबुक आईडी थैंक यू स्वीट हार्ट, दो जगह दो तरह। तो आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए दीदी को इंस्टा फेसबुक दोनों जगह पे, आप लोग बात कर सकते हो दीदी से। तो लीजिए इसको, उसको आज पापा के ऊपर में आ रहा है। आए पापा क्या कर रहा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ऋत्विक, कहाँ जाएगा, हाँ कहाँ, लाइट को दिखा लो। अरे इसका चोट लग गया देख सकते हो, गला में यहाँ पे आग के पास लग गया है। कैसे लगा चोट? झगड़ा हुआ था और घड़ी भी तोड़ लिया गाइस, जिस दिन दिया उसी दिन रात को घड़ी टूट गया। अब हम घड़ी गिफ्ट कभी नहीं करेंगे। 1 जनवरी को हम लोग सब दोस्त आपस में ही लड़ने लगे थे। अब मेरा मतलब घड़ी गिफ्ट दिया हुआ सूट नहीं करता है, मैं ऐसे ही उसी दिन टूट गया। अब हम घड़ी गिफ्ट कभी नहीं करेंगे, घड़ी नहीं चल पाता है, हाँ टिक नहीं पाता है। तो गाइस आप लोग को बता रहे हैं ये ब्लॉग को आज इतना जरूरी रखेंगे क्योंकि पोस्ट भी करना है ब्लॉग। हाँ। आप लोग तो देखे ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कब किए, 11 बजे स्टार्ट किए ब्लॉग आज। हाँ दुमका में तो थोड़ा सा हम लोग क्लिप लिए थे, दुमका वाला क्लिप तो हम दिखाएंगे आगे के दिखा दिए। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो सी ऑल फ्रेंड्स, लव यू, टाटा टाटा कर दीजिए टाटा।